पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, लगातार बिहार में पुल गिरने का सिलसिला और अपराध का सिलसिला को तेजस्वी यादव सीधे सीधे एनडीए को बताते हैं। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमलावार बने हुए हैं। तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के जरिए आए दिन अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं और उन्होंने एक बार फिर अपराध की घटनाओं को लेकर सरकार के खिलाफ हमला बोला है। जी हां, आज सुबह एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया है। आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर पर इस बार क्या लिखा है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पर लिखा, आज 7 जुलाई 2024 रविवार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को विगत 3-4 दिनों में एनडीए के महामंगल राज में घटित अपराधियों द्वारा बेखौफ गोली चला मानव हत्याएं करने वाली घटनाओं का दुखद विवरण इस प्रकार है। उन्होंने आगे लिखा कि बीजेपी के जिम्मेवार संस्कारित व शास्त्रीय नेताओं के अनुसार डबल इंजन पावर्ड एनडीए सरकार के महामंगल राज में रक्त रंजित इन मंगलमय घटनाओं का जिक्र करना भी निर्मम अपराध की श्रेणी में आता है। वीडियो में 3-4 दिनों का मंगल है। वहीं इसके पहले शनिवार यानी कि कल तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पर पिछले 3-4 दिनों में राज्य के अलग अलग हिस्से में हुए अपराध की 40 से भी ज्यादा घटनाओं का जिक्र करते हुए हमला बोला था। तेजस्वी ने एक्स पर लिखा था कि पेश है अवतारी एवं कुर्सीधारी मुख्यमंत्री की बिहार वासियों के लिए अर्जित विगत 3-4 दिनों की मंगलकारी विग्रहारी चमत्कारी उपकारी और गुणकारी उपलब्धियां। वहीं तेजस्वी यादव अगर बात करें यहां पर रोहिणी आचार्य की, तो रोहिणी आचार्य भी कुछ कम नहीं नजर आती हैं। रोहिणी आचार्य ने भी कल विरोधियों का नाम न लेते हुए सीधे अपने एक्स पर पोस्ट करके ये बता दिया था कि छोटू टट्टू कौन है और लालू यादव किसी से नहीं डरते हैं, लोगों के दिल में उनके लिए सम्मान है। वहीं लालू प्रसाद यादव खुद भी कल एक्स पर पोस्ट किए और एक कार्टून व्यंग बनाकर उन्होंने पुल गिरने पर एक पोस्ट जारी की, जिसमें एक स्थानीय व्यक्ति जो है वो बाइक सवार कहीं पहुंचता है, वहां के व्यक्ति से वो पूछता है कि यहाँ तो पुल हुआ करता था। वहां का जो व्यक्ति है वो बोलता है कि पुल हुआ करता था, वो तो बह गया, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, दूसरा पुल भी बहकर आ जाएगा। तो किस तरीके से तेजस्वी यादव समेत राजद सुप्रीमो लालू यादव भी एक्स पर एनडीए को घेरते नजर आ रहे हैं, तो बेटी रोहिणी आचार्य भी अपने ट्वीट से भूचाल लाने में पीछे नहीं रह रही है। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य के ट्वीट से पिछली बारी भूचाल आ गया था, सीएम नीतीश महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आ गए थे, इस बार भी उनके ट्वीट से क्या कुछ हो जाए ये तो देखने वाली बात रहेगी। अब इससे तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।